जो एक वॉर है आइडियोलॉजी ये रिप्रेजेंट करती है। फिल्म का पोस्टर या ट्रेलर देख के आपको लग सकता है बहुत सीरियस फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स कुछ सीरियस मुद्दों पे इस फिल्म में बात की है, लेकिन ये कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज में दोस्ती होती है, प्यार होता है, मस्ती होती है। सो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारी एक फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है, लेट्स होप ऑडियंस को पसंद है। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी इट इज़ ऑल अबाउट कॉलेज के कैंपस में किस तरीके से पॉलिटिक्स चलते हैं, पॉलिटिक्स के साथ साथ तमाम दूसरी चीज़ें जो चलती हैं उसके बारे में इस फिल्म में हमने बताया है। और बहुत से मुद्दे जैसा कि आपने भी प्रीमियर में भी देखा होगा किस तरीके से उसको कवर किया गया है, और कॉलेज में छात्र राजनीति के साथ साथ कॉलेज में जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर हर मंच पर हर किसी के वर्जन होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी में भी हमने वो दोनों पहलुओं को जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है। दो पहलू, एक वो जो सच होता है जो सबके सामने होता है, और दूसरा वो जो सच होता है जो किसी को मालूम होता नहीं है। तो आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन से सच की इस पिक्चर में बात की गई है, जो शायद आप से छुपा हो, आपको पता नहीं है, और ये देखने के बाद आपको वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी हम तो डायरेक्टर जो सर है का वेट कर रहे हैं, बट मैं बस ये बोलना चाहूँगी आई एम वेरी हैप्पी विद माई को एक्टर्स सिद्धार्थ बोर्के, ही डिड अमेजिंगली वेल, बहुत ही अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा काम किया, एंड द कन्हैया एज वेल, इतना शानदार काम किया है। बाकी और सभी एक्टर्स ने सब बहुत ही अच्छा काम किया। आई थिंक जब आपके सामने एक्टर्स इतने अच्छे होते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी अपने आप उठ के आता है, एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स वर रियली इनक्रेडिबल, आवर डायरेक्टर वाज रियली गुड, एंड कुडोज टू आवर फीमेल प्रोड्यूसर प्रतिमा जी, आई मीन यू नो हैट्स ऑफ टू हर, द वे हाउ शी यू नो कंडक्टेड द एंटायर शूट, एंड देयर वाज नो एवरीथिंग वेंट ऑन रियली स्मूथ, बट कुडोज टू हर, एंड मोर यू नो वी नीड मोर सच फीमेल प्रोड्यूसर्स। जैसा कि सौरभ सर मैम ने तो बता दिया है, ये एक्चुअली दो आइडियोलॉजी के बीच में स्टोरी है, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट सही, राइट के लिए राइट सही। लेकिन आप लोग मूवी देखे, आप लोग भी समझे होंगे चीज़ों को। तो बेसिकली जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, तो राइट की तरफ से सौरभ सर मैम, थैंक्स टू प्रतिमा मैम, विनय सर, तो स्टोरी घूमती है आइडियोलॉजी के बीच में। लेफ्ट को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जैसी इनकी सोच है, शायद वो सही है, लेकिन एक मायने में शायद वो सही नहीं है। तो राइट जब आता है उनके अगेंस्ट में है, राइट उनको दबाता भी, जैसे आप फिल्म में देखे हैं। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी दो आइडियोलॉजी के बीच में घूमती है, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट की तरफ से सर एंड लेफ्ट की तरफ से हमने इसका नेतृत्व किया। जो मेरे फादर हैं वो बचपन से चाहते थे कि मैं JNU में पढ़ूँ, और इस तरीके से एक ये उनका सपना पूरा हुआ है, या फिर वो लाइक यू नो ही विल बी वेरी हैप्पी। तो या आई मीन जब अच्छी फिल्म रहती है, आई डोंट मैं उम्मीदें नहीं रखती, बट हम बस यही फोकस करते हैं काम अच्छे से। दिल्ली के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और हम सब अभी आए, और दिल्ली है दिल वालों की। सीपी का देख के अच्छा लगा, आपको कैसा लगा क्राउड सीपी का देख के? अभी आप आए थे, डेफिनेटली अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस है इधर, सो या वी आर हैप्पी। मैं दूसरा सुना देता हूँ, वो तो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन जो ट्रेलर में है कि इस झूठ को सच के तराजू में तोलेगा कौन, इस झूठ को सच के तराजू में तोलेगा कौन, हम भी अगर नहीं बोले तो साला बोलेगा कौन। छः सात काउंसलर का सीट जीत लेने से अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे कि JNU और सौरभ शर्मा यहाँ के मगरमच्छ हम हैं। How they gonna connect with Naira, my character in this film? हिंदी बोलने की कोशिश की। Thank you so much. I worked very hard.